इसे बचाना तो अब बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ऐसा ना बोलो सपेरा, मुझे किसी तरह बचा लो। वादा करता हूँ, अगर मैं बच गया तो तुम्हारी शादी में जरूर नाचूंगा। हाँ? लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है और मेरी पत्नी भी है, तो तुम्हारी पत्नी की शादी में नाच दूंगा। तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज है कि नहीं? अब तो मैं इसे बिल्कुल ही नहीं बचाऊंगा। जा रहा हूँ मैं अपने घर। मैं तो सिर्फ मूतने के लिए जा रहा था। बंदूक नीचे करो, मैं घर थोड़ी ही जा रहा हूँ। सोचना भी मत, नहीं तो इस बंदूक की छह गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। ओम झटपट स्वाहा, 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 ओम तड़कता भड़कता 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 स्वाहा। गोली मत मारना। मेरे पास जो कुछ भी था और मैंने जितने भी मंत्र सीखा था सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोबरा का जहर बेअसर नहीं हो रहा है। मैं तो गोली मारूंगा अगर इसे ठीक नहीं किया तो। गुरुदेव 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 गुरुदेव, अबे कहाँ मर गए ले गुरुदेव? सरदार भूत आ गया, बचा लो मुझे। अबे कितना बचेगा, पहले ही तुम ऊपर चढ़ गया है, नीचे तो मैं हूँ, मुझे कौन बचाएगा इस भूत से? डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे गुरुदेव हैं, इन्हीं से तो सब कुछ सीखा है मैंने। गुरुदेव आप आ गए। क्यों बुलाया मुझे सुअर के पिल्ले, कौन सी आफत आ गई है तेरे ऊपर कमीने? मुझे माफ कर देना गुरुदेव, मैंने आपको यहाँ बुलाकर अगर कोई गुस्ताखी किया है तो। गुस्ताखी? तुमने बहुत बड़ा गुस्ताखी किया है। कितना बढ़िया 2050 में रिलीज हुई भोजपुरी गाना सुन रहा था। हिलेला जब कमरिया तब फाट जाला। ये तुम्हारे गुरुदेव है? मुझे तो लगता है कि यह सठिया आ गया है, 2022 में 2050 का गाना सुन रहा है। गुरुदेव कोबरा ने इसे बड़े ही बुरे तरीके से काट लिया है। इसे कोबरा ने नहीं, इसे इच्छाधारी नाग ने काटा है। इसे अब कोई नहीं बचा सकता। कैसे इसे कोई नहीं बचा पाएगा, यह जरूर बचेगा। अगर गुरुदेव ने कहा है तो इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे अब एक ही तरीके से बचाया जा सकता है। वो कैसे गुरुदेव? नागलोक में जाना पड़ेगा। नागलोक? हाँ नागलोक, आधे सांप और आधे इंसान वाले नाग के जहर से ही इसे बचाया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है, आधे सांप और आधे इंसान? नागलोक में जाने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो सरदार नागलोक चलते हैं। नागलोक में तुम्हारा ससुराल है क्या कि जब चाहे तब पहुँच जाओगे? आज तक नागलोक में मेरे गुरुदेव नहीं जा सके तो तुम लोग कौन हो? ये बागड़ बिल्ला सही कह रहा है, नागलोक में जाना आसान नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए काफी खतरनाक जगहों से होकर गुजरना पड़ता है। आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। और जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। सही बोला ना गुरुदेव? कुत्ते के पिल्ले, जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम अपनी उंगली क्यों घुसेड़ रहे हो? Huh? Oh no!
अब बीच में नहीं बोलूंगा गुरुदेव, मुझे नीचे उतार दीजिए गुरुदेव। उई माँ, जोर की लग गई। चाहे कितना भी खतरनाक रास्ता क्यों न हो, हम नाग लोक में जरूर जाएंगे और गजोधरा को बचाने के लिए उस नाग का जहर भी लाएंगे। बिल्कुल सही कहा सरदार, हम नाग लोक जरूर जाएंगे। मरोगे, तुम सब मरोगे और ये भी मरेगा। मरना हमें स्वीकार है, लेकिन हमारे सामने अपना एक साथी मर जाए ये हमें गंवारा नहीं। इतना प्यार करते हो सरदार हमसे, बचा लो माई बाप मुझे। तुम लोगों का प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। मैं तुम्हें तो नागलोक नहीं ले जा सकता, लेकिन वहाँ जाने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े दिल वाले हैं गुरुदेव। चुप बागड़ बिल्ले, मेरी बॉडी में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है, तो इतना बड़ा दिल कैसे होगा। जल्दी बताओ, हम नागलोक कैसे जा सकते हैं? नागलोक जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें आवारा जंगल को पार करना होगा। हा? जो बहुत ही खतरनाक जंगल है। oh, no. भूरा, जल्दी घोड़े तैयार कर, हम अभी नागलोक के लिए रवाना होंगे। जी सरदार, अभी घोड़े तैयार करता हूँ। रुको, हमें तो पता ही नहीं आवारा जंगल किधर है। भूरा, जाओ और सपेरा से पूछ कर आओ। सरदार, सपेरा ने बताया आवारा जंगल पागल पहाड़ के पास पड़ता है। लेकिन पागल पहाड़ भी हमें नहीं पता कहाँ है, तो फिर से पूछ कर आओ। सरदार, सपेरा फिर बताया पागल पहाड़ आवारा जंगल के पास है। जाओ और सपेरा को यहाँ लेकर आओ, आवारा जंगल का रास्ता बताने के लिए उसे साथ लेकर चलेंगे। Ah!